जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले काफी समय से जोशीमठ में भू धसाव ने प्रशासन को चिंता में डाल रखा है, जहां सैकड़ों परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और जहां जोशीमठ में अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है, जिस वजह से वहां भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड का लगातार खतरा बढ़ गया है। हालांकि पिछले साल भी जोशीमठ की ओर जाने वाली सड़कों पर लैंडस्लाइड की वजह से यातायात प्रभावित हुआ था। वहीं एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि बीते साल अक्टूबर में ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच 247 किलोमीटर लंबी सड़क के आसपास 309 रोड ब्लॉकिंग लैंडस्लाइड देखने को मिली थी, मतलब कि लगभग हर 800 मीटर पर लैंडस्लाइड हुआ था। और इस रिपोर्ट को 10 जनवरी को यूरोपीय जियोसाइंस यूनियन में चर्चा के लिए भी रखा गया था। बताया जा रहा है कि इस स्टडी को भारत और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर किया था। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि बारिश, सड़क निर्माण और उसके चौड़ीकरण जैसी घटनाएं भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं। बता दें कि ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच 247 किलोमीटर लंबी सड़क के आसपास के पहाड़ों का अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों की टीम ने पाया है कि यह क्षेत्र लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इस स्टडी को नेचुरल हैजर्ड्स एंड अर्थ सिस्टम साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। बता दें कि वैज्ञानिकों की टीम ने पिछले साल अक्टूबर में भी ऋषिकेश और जोशीमठ के बीच सड़क और उसके आसपास के पहाड़ों का अध्ययन किया था। वहीं इस तरह के आए आंकड़े अब बड़ी आपदा की चेतावनी दे रहे हैं और आपदा पीड़ित भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी बारिश ना आए। अधिकतर लोगों का सामान अभी भी खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि जैसे ही बारिश तेज होगी और बर्फबारी होने लगेगी तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बारिश ना हो यही बेहतर है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।